नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टीज इन पुणे के नए एपिसोड में। आज हम आए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जो कि मामूडी का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है। 25 एकर्स का लैंड पार्सल, 20 प्लस टावर्स, 5 क्लब हाउस और 50 प्लस एमिनिटीज। यहाँ के सबसे ट्रस्टेड बिल्डर है और आप इन पे आग बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। ये है कोलते पाटिल का लिटिल अर्थ प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लायक तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब होती रहेंगी। आइए चलिए पहले आपको मैं दिखाता हूँ आपका सैंपल फ्लैट। तो ये है आपका एंट्रेंस। बाहर आपको मिलता है वीडियो डोर फोन, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है डिजिटल की लॉक सिस्टम। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये देखिए ये आपकी लॉबी है जो कितनी बड़ी लॉबी स्पेस है, और ये आप यहाँ पे शोरैक बना सकते हो। ये बढ़िया आपको इतना बड़ा शोरैक बैठ जाएगा। ये भी स्पेस आपको लगभग 4 से 5 फीट का स्पेस है यहाँ पे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये है आपका लिविंग एरिया। इस एंगल से एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे आपका टीवी यूनिट वगैरह सेट होता है यहाँ पे। तो आपकी जो लिविंग स्पेस है, ये पूरी ऐसे सीधी लिविंग स्पेस है, वहाँ पे दीवार आ जाती है ताकि आपका सीक्रेसी मेंटेन हो सके। साथ ही आपको यहाँ पे मिलता है इतना बड़ा विंडो ताकि जब आप टीवी नहीं देख रहे हो तब आप यहाँ पे आराम से चिल कर सको। ये एल शेप वाला सोफा इन्होंने आपको दिखाया है कैसे एडजस्ट करना है, ये इनके हिसाब से इन्होंने एडजस्ट किया है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो यहाँ पे। ये एल शेप का ये पोर्शन है डाइनिंग सेट और हॉल मिला के। तो ये लिविंग एरिया सेपरेट हो गया और ये डाइनिंग एरिया सेपरेट है। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की ये है कि ये डाइनिंग एरिया से लग के ही यह है आपका बालकनी। और ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी स्पेस दी गई है, मतलब मैसिव बालकनी है यहाँ पे। डाइनिंग पोर्शन के ठीक सामने है ये आपका किचन, हालांकि ये ओपन किचन इन्होंने अभी दिया है, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करके आप अपना सीक्रेसी भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे मिलती है यूटिलिटी स्पेस। यूटिलिटी में आप वॉशिंग मशीन, अपना डिश वॉशर सब यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। जो डिजिटल वीडियो डोर फोन था इसका स्क्रीन यहाँ पे लगाया है, और ये टच स्क्रीन के सारे स्विचेस है यहाँ पे आपको। और ये आपको मिलती है बड़ी सी लॉबी। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये आपको मिलता है पाउडर रूम, चिल्ड्रंस बेडरूम। अब ये देखिए कितना बढ़िया चिल्ड्रंस बेडरूम है। इन्होंने ये थोड़ा सा इंटीरियर करके दिखाया है कैसे आप इसको बढ़िया सा सजा सकते हो। यहाँ पे इसके साथ में आपको यहाँ पे ये मिलता है वॉशरूम। अब चिल्ड्रन बेडरूम से जैसे ही हम बाहर आते हैं तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा गेस्ट बेडरूम, राइट हैंड साइड में है मास्टर बेडरूम। आइए चलिए गेस्ट बेडरूम देखते हैं। अब ये बहुत ही बढ़िया गेस्ट बेडरूम भी इन्होंने सजाया है। अब यहाँ पे आपको दोनों साइड में विंडोज मिलती है। यहाँ पे है स्टडी टेबल, यहाँ पे वार्डरोब, बढ़िया सा अपना क्वीन साइज का बेड बना सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह आप यूज कर सकते हो इस वॉल पे। और इसी से लग के ही, जैसे कि आसानी हो टॉयलेट की, तो इसी से लग के ही इस साइड में अपने इन्होंने दिया है टॉयलेट इसका। तो ये आपका ये कॉमन टॉयलेट है यही पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी इंपॉर्टेंट चीज जो है मास्टर बेडरूम। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम, ये देखिए कितना बड़ा मास्टर बेडरूम है यहाँ पे। और इसके साथ आपको मिलता है ये बढ़िया सी बालकनी, आपका अटैच टॉयलेट। और यहाँ पे आप चाहिए तो ये पाउडर रूम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप स्टडी टेबल वगैरह भी बना सकते हो आपके लिए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये सैंपल फ्लैट? ये था 3BHK का सैंपल फ्लैट का टूर। मैंने सबसे पहले आपको सैंपल फ्लैट इसलिए दिखाया क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको देखना रहता है आपका घर कैसा है, बाद में सारी एमिनिटीज़ वगैरह आती है। एमिनिटीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगा ही जो बहुत ही बढ़िया है। तो आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं इसकी अदर फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ क्या क्या है। अभी जो मैंने आपको फ्लैट दिखाया वो इस बिल्डिंग में था। अब यहाँ पे मैं इसलिए आया था कि आपको यहाँ से पूरे प्रोजेक्ट का व्यू मिल सके। अब मेरे आप पीछे देख सकते हो ये नियरिंग पोजिशन वाला अपार्टमेंट है, और इस टावर में आपको मिलेंगे रेडी टू मूव फ्लैट्स। ये सारे आप देख सकते हो, वो तीनों भी डिलीवर्ड अपार्टमेंट्स हैं। और पीछे आप देख ही सकते हो इन 5 क्लब हाउस में से ये एक सिंगल क्लब हाउस है, जिसमें आपको मिलता है स्विमिंग पूल, कैफेटेरिया, मिनी थिएटर, योगा डेक, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, स्विंग प्लाजा, सिटिंग एरिया, बोन फायर, और ऐसे ही कई सारी एमिनिटीज जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
प्रोजेक्ट के सामने ही कमर्शियल शॉप्स है जो सारी सोल्ड आउट है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत का सभी सामान मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो स्कूल, कॉलेजेस, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पम्प्स, ये सभी 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। अब प्रोजेक्ट का अगर लोकेशन देखेंगे तो ये है पुना मुंबई ओल्ड हाईवे, ये है पुना मुंबई एक्सप्रेसवे, और इन दोनों के सेंटर में ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन ओपन है, जैसे कि आपको प्री लॉन्च पे बुकिंग करनी है, या फिर नियरिंग पोजेशन लेना है, या फिर रेडी टू मूव फ्लैट्स लेने हैं, तो तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ये तीनों ऑप्शंस है। आगे की जानकारी के लिए या फिर यहाँ पे आपको विजिट करना है, कुछ भी आपको डिटेल्स चाहिए, तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है आकाश, प्रॉपर्टीज़ इन पुणे के चैनल से। धन्यवाद।